नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो आपके विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल JEE से संबंधित एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे UP SSSC, UPSC, HAL, RVNL, UPRVNL या NHPC जो अभी नई नई वैकेंसी आई है, उन सभी की तैयारी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के बारी बारी से वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, साथ में आपको उसका कॉन्सेप्ट भी मैं देता रहता हूँ। तो अभी तक मैंने लगभग थर्मोडाइनमिक्स, बॉयलर, थियोरी ऑफ मशीन और हीट ट्रांसफ़र, इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर्स की वीडियोस बना दिए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है मशीन डिज़ाइन। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मशीन डिज़ाइन का चैप्टर स्प्रिंग्स, उससे संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे, साथ में हर सवाल के साथ मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी दे दूँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, इन द कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द हेलिकल स्प्रिंग द वॉल करेक्शन फैक्टर इज यूज टू टेक। मतलब जब हम लोग शियर स्ट्रेस हेलिकल स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें वॉल करेक्शन फैक्टर एक होता है, वो क्यों होता है, इस यूज टू टेक केयर ऑफ, वो किस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम बता देते हैं कि वॉल करेक्शन फैक्टर होता क्या है और उसके फार्मूले साथ में आपको बता देते हैं क्लोज्ड कॉल हेलिकल स्प्रिंग के। सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कब हम स्प्रिंग को ओपन स्प्रिंग कहें, ओपन कॉयल स्प्रिंग कहेंगे, और कब क्लोज्ड कॉयल स्प्रिंग कहेंगे। ठीक, तो सपोज मान लीजिए स्प्रिंग की एक्सिस है, ठीक, और ये उसकी कॉयल्स हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसकी कॉयल्स होंगी। ठीक, तो मतलब जैसे स्प्रिंग होती है इस तरह से, ये इसकी स्प्रिंग कॉयल्स हैं। ठीक, तो अगर हम ये देखें कि जैसे स्प्रिंग की एक्सिस ये है, ठीक, ये स्प्रिंग की एक्सिस है और ये क्या है, और इसका जो ये इंक्लिनेशन एंगल है, ये स्प्रिंग का वायर इस प्रकार से है। तो अगर हम किसी एक स्प्रिंग के एक वायर को लें और यहाँ पे इससे ये मतलब उसके स्प्रिंग के जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर खींच के इन दोनों के प्लेन के एंगल निकाले, तो ये जो एंगल प्राप्त होता है इसी को हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं। मतलब ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग और प्लेन ऑफ द कॉयल, मतलब जिसका वायर है, उसका वायर, उसका जो प्लेन है, उस प्लेन का बीच में जो एंगल, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के पर, स्प्रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर और कॉइल के क्या है, कॉइल का जो वायर है उस प्लेन, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहा जाता है? हेलिक्स एंगल कहा जाता है स्प्रिंग के लिए। यदि हेलिक्स एंगल अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री से कम होती है, लेस देन 10 डिग्री, तो ऐसी स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं कि क्लोज्ड कॉयल स्प्रिंग है। किस प्रकार की है? ये क्लोज्ड कॉयल स्प्रिंग है। और यदि इसी अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री से ज़्यादा होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ओपन कॉयल्ड स्प्रिंग है। कैसी है? ये ओपन कॉयल्ड स्प्रिंग है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे कि क्लोज्ड कॉयल स्प्रिंग और ओपन कॉयल्ड स्प्रिंग का प्रयोग, ठीक, कब कहें, कब किस स्प्रिंग को ओपन कॉयल्ड स्प्रिंग कहेंगे और कब किसी स्प्रिंग को क्लोज्ड कॉयल स्प्रिंग कहेंगे। ठीक, ये जो बताया, ये हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बताया है। तो देखिए, अगर हम लोग क्या करें कि किसी स्प्रिंग पे लगने वाले शियर स्ट्रेस का अध्ययन करें, तो मान लीजिए कि एक स्प्रिंग का ये एक्सिस है, ठीक, और ये इस पे स्प्रिंग है, तो इसका मान लीजिए कि अगर इसका जो मीन डायमीटर, मतलब ये जो डायमीटर, ये डायमीटर का मान लीजिए कैपिटल डी है, और ये जिस वायर की बनी हुई है, जिस वायर की स्प्रिंग बनी हुई है उसका डायमीटर डी है। मतलब कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज़ द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग है, और डी क्या है? डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, जिस वायर की बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे दो स्ट्रेस काम करेंगे। अगर हम लोग इसकी शियर स्ट्रेस निकालना चाहें दो, तो इसमें दो शियर स्ट्रेस होंगी, एक मान लीजिए टाउ वन कहेंगे, दूसरा टाउ टू कहेंगे। ठीक, तो टाउ वन, तो देखिए दो चीज़ पे, एक नंबर, जैसे जब मान लीजिए यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, W लोड इस पे लग रहा है, तो इसके कारण क्या है, डायरेक्ट एक शियर स्ट्रेस आएगी। ठीक, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगी, तो उस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? टाउ वन है, तो टाउ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लगने वाला लोड W डिवाइडेड बाय एरिया, यहाँ पे देखिए जो वायर है, इस वायर का जो एरिया होगा, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वही इसको रजिस्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा? पाई बाई फोर स्मॉल डी का स्क्वायर, पाई बाई फोर
स्मॉल डी का स्क्वायर। तो जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई डब्ल्यू अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर, या दूसरे वर्ड्स में हम लोग सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं फोर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टाउ वन की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम तो दूसरा क्या होगा, जब यहाँ पर हम लोड लगाएंगे तो ये जो वायर है ये वायर अपने एक्सिस पे इस प्रकार से बेंड करने का प्रयास करेगा, ठीक। तो उसकी बेंडिंग होगी, तो इस बेंडिंग के कारण उसमें क्या है, बेंडिंग शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो जाएगी। कौन सी, ठीक, तो एक हो जाएगा जिसके हम सॉरी मतलब वायर को बेंड करेगा तो उसमें क्या, उसको इस तरह से जब ये क्या है, ये स्प्रिंग अपनी जगह पर इस तरह से लपेट करके उसका क्या है, उसमें एक प्रकार का टॉर्जन आ जाएगा। तो उसके कारण कौन सी स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, टॉर्जन शियर स्ट्रेस। तो उसको हम लोग टाउ टू दर्शाते हैं, ठीक। तो हम लोग जो शियर स्ट्रेस है दो भागों में है, एक नंबर क्या है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दूसरा क्या है टॉर्जन शियर स्ट्रेस। टॉर्जन शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, देखिए टॉर्जन शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम लोग कैसे निकालते हैं, बेंडिंग शियर स्ट्रेस से ही निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखिए कैसे टॉर्जन शियर स्ट्रेस का निकालेंगे, हम लोग जानते हैं टाउ बाई आर इक्वल टू टार्क अपॉन आई पी, ये पढ़े हैं टॉर्जन के लिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये टाउ टू है, ये वाला स्ट्रेस शियर स्ट्रेस निकालना है, तो टाउ टू अपॉन आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग आर लेंगे तो रेडियस ले लेंगे उसका, तो रेडियस क्या हो जाएगा, वायर का रेडियस, तो डी बाई टू हो जाएगा इंटू टॉर्क। टॉर्क देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए सी ये इस हेलिकल स्प्रिंग है और ये यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे लोड डब्लू लग रहा है। तो देखिए अगर हम लोग इस वायर किसी भी वायर के पॉइंट के या इस पॉइंट से ले तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से कैपिटल डी बाई टू हो जाएगी, क्योंकि टोटल डायमीटर डी है तो इसका हाफ का डी बाई टू। तो टॉर्क यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डब्लू इंटू डी बाई टू ले लेंगे अपॉन आई पी, आई पी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, पाई बाई थर्टी टू डी टू दी पावर फोर होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 60 हो जाएगा, डी से इसको कैंसिल करें डी टू द पावर 3 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करें तो 8 हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब बाई 60, क्या हो जाएगी, डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब बाई 8, सॉरी ये काट दिए हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पाई नीचे, ठीक, तो पाई क्या हो जाएगा अपना, जो टाउ टू की वैल्यू आ जाएगी, टाउ टू उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी 8 डब्ल्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, और टाउ वन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 8 डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं डायरेक्ट सीयर, तो हम लोग टोटल सीयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, टोटल सीयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या होती है, टाउ वन प्लस टाउ टू होती है। तो टाउ वन की वैल्यू हमने क्या निकाली, 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर प्लस, और टाउ टू की वैल्यू क्या निकाली, 8 डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखिए कहाँ पे हम लोग स्मॉल डी यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे कैपिटल डी यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो 8 डब्ल्यू डी कॉमन निकल आता है डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, अगर हम लोग कॉमन निकाल लें, ठीक, पाई डी स्क्वायर कॉमन निकाल लें। तो देखिए इसकी जगह पे इस ये जो है ये इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, 1 बाई डी हो जाएगा, इसके बाद इसका जगह पे क्या हो जाएगा, 1 बाई डी हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों में से देखिए ये आपका क्या है, ड्यू टू टॉर्जन है, ये क्या है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। तो अगर हम किसी एक के टर्म में लिखना चाहें तो मान लीजिए हमने 8 डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब को कॉमन निकाल लिया, ठीक। और जब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे तो इस जगह पे क्या बचेगा, इसमें देखिए 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर ही था, जबकि हमने उससे ज़्यादा कॉमन निकाले तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी अपॉन 2D एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे हम लोग जो शियर स्ट्रेस देख रहे हैं टाउ, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब इंटू डी स्मॉल डी अपॉन 2D प्लस 1 है, ठीक, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि सिर्फ और सिर्फ हमको ये फार्मूला लिखना पड़े, 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब लिखना पड़े, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए इसको सॉल्व कर देते हैं और इस प्रकार से कॉमन निकाले तो हमारा जो आंसर बन गया शियर स्ट्रेस का वो क्या, 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब इंटू डी अपॉन
2D+1। तो देखिए यहाँ पे जो डी बाई डी है, कैपिटल स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, देखिए जो वायर का डायमीटर होता है वो काफ़ी कम होता है, डी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल डी, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर कर देंगे तो जो हमारा टाउ की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे क्या आ जाएगी, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल टू पाई डी क्यूब, क्या हो जाएगा, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसमें समस्या क्या है, तो हमने सीधे सीधे शियर स्ट्रेस को किसके बराबर रख दिया, सीधे सीधे हमने इसको किसके बराबर रख दिया, हमने इसको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के बराबर निकाल दिया। क्यों, तो क्योंकि हमने डी बाई डी को निगलेक्ट कर दिया इसलिए। लेकिन वास्तव में ऐसा ये निगलेक्ट नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वायर में कुछ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी होती है, उसका कुछ अपना कर्वेचर भी होता है, तो उसके कारण क्या करते हैं ये जो कंपनसेट करने के लिए हमने जो इसको निगलेक्ट कर दिया, कंपनसेट करने के लिए हम इसमें एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसको कहा जाता है वॉल करेक्शन फैक्टर। तो जो हमारा शियर स्ट्रेस का फार्मूला हो जाता है, शियर स्ट्रेस का फार्मूला टाउ इक्वल टू हो जाता है, वो हो जाता है हम लोग का 8WD डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब इनटू KW। तो KW कहा जाता है स्ट्रेस करेक्शन, इसको कहा जाता है वॉल स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। क्या कहा जाता है, KW कहलाता है वॉल्स, WHL वॉल्स स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, या कभी कभी इसी को शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर कहा जाता है, या कभी कभी सिंपली स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर भी कह दिया जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है KW की, तो KW की जो वैल्यू होती है ये इक्वल टू इसका हाइपोथेटिकल फार्मूला वॉल्स ने दिया था, वो होता है 4C-1 डिवाइडेड बाई 4C-4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई सी, ठीक। तो इसमें सी क्या है, सी जो होता है इसको स्प्रिंग इंडेक्स कहा जाता है, सी क्या होता है, सी होता है स्प्रिंग इंडेक्स कहा जाता है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मतलब डी कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग और डी इज द वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, ठीक। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी स्प्रिंग का मीन डायमीटर है और स्मॉल डी क्या है, इसका वायर का डायमीटर है। तो इस तरह से हम लोग KW की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे फार्मूले इसका कि स्ट्रेस टाउ में जो होगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ से आती है, ठीक। और शियर स्ट्रेस का जब आपको फार्मूला बदल गया, तो अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है इन द कैलकुलेशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन द हेलिकल स्प्रिंग, जब हम हेलिकल स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वॉल करेक्शन फैक्टर इज यूज टू टेक, तो वॉल करेक्शन फैक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों हम लोग उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमने बताया कि इसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले तो कर्वेचर ऑफ द वायर को कंपनसेट करने के लिए, और दूसरा क्या है कि इस ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमने लगाई थी उसको हमने निगलेक्ट हो गया, वो सीधे हम लोग टॉर्सनल, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए। तो कौन कौन से दो चीज़ों के लिए, एक नंबर एक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस एंड कर्वेचर ऑफ वायर, इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए हम वॉल्स करेक्शन फैक्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए ठीक हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्लोज्डली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सियल फोर्स, ठीक। एक क्लोज्डली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जो उस पर एक्सियल फोर्स लग रहा है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द स्प्रिंग इज टाउ, जो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो क्या है, तो उसकी वैल्यू टाउ है। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कट ऑफ, उसकी हाफ ऑफ द लेंथ उसकी काट की अलग कर दी जाती है, एंड मतलब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है इस प्रकार से, तो इसका आधा भाग काट करके अलग कर दिया जाता है, इसको हमने काट के अलग कर दिया, ठीक। इस एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सियल फोर्स, काटने के बाद पहले इस पर जो लोड लग रहा था, मान लीजिए इस पर लग रहा एक्सियल फोर्स डब्लू लग रहा था, बाद में हमने इसको बी से काट के अलग कर दिया तो स्प्रिंग आधी हो गई, अब भी इस पर क्या हम लोग लोड डब्लू ही लगा रहे हैं, ठीक। एक्टिव सेम एक्सियल फोर्स, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द न्यू कंडीशन विल बी, मतलब पहले जो इसमें शियर स्ट्रेस टाउ डेवलप हो रही थी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो वही पूछा है, मान लीजिए टाउ वन डेवलप हो रही थी, अब जो शियर स्ट्रेस टाउ टू डेवलप होगी तो वो कितनी होगी, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अभी अभी मैंने आपको शियर स्ट्रेस का फार्मूला बताया, टाउ इक्वल टू क्या है 8WD डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब इंटू वॉल करेक्शन फैक्टर
फैक्टर के डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर जो सी आर स्ट्रेस टाऊ का टाऊ है किस किस पर डिपेंड कर, नंबर एक एक्सियल फोर्स तो सेम है, डायमीटर ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग वो भी सेम है, डी क्यूब क्या है वो वायर का डायमीटर वो भी सेम है, और के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू का फार्मूला भी हमने आपको बताया। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ के डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ सी पे डिपेंड कर रहा था, उसके अलावा उसमें और कोई वेरिएबल था ही नहीं। और सी क्या होता है, सी होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, ठीक। तो सी की वैल्यू क्या होती है, तो सी डिपेंड करता है सिर्फ वायर के डायमीटर और हेलिकल स्प्रिंग के डायमीटर पे। तो देखिए इस पूरे फार्मूले में किसी भी जगह पर स्प्रिंग की लेंथ की बात नहीं की गई है, पूरे फार्मूले में क्या है, स्प्रिंग की लेंथ की बात नहीं की गई है, या स्प्रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं की गई है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं जो सीयर स्ट्रेस है वो कभी भी स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो मतलब अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए, काट के चौथाई कर दिया जाए, लेकिन अगर लगने वाले एक्सियल फोर्स सेम है तो उसमें जो सीयर स्ट्रेस का इंड्यूस्ड होगी वो उतनी ही रहेगी। तो मतलब सीयर स्ट्रेस डायरेक्टली और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, अगर सेम स्प्रिंग को काज कितने टुकड़ों में काट दिया जाए तो और उस पर लगने वाला एक्सियल फोर्स सेम है तो लगने तो सीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो मतलब सीयर स्ट्रेस नहीं डिपेंड करती कि नंबर ऑफ कॉयल्स या फिर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे, तो सीयर स्ट्रेस सेम रह जाएगी। तो सीयर स्ट्रेस का फॉर्म दोनों क्या, सीयर स्ट्रेस जो टाउ है वो टाउ ही रह जाएगी, क्या हो जाएगी, टाउ की जो है टाउ ही रह जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू ए कपल अबाउट इट एक्सिस द इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन द वायर मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इज। इन्होंने कहा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग है वो जो एक कपल है उसके एक्सिस के अबाउट एक कपल लग रहा है, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इज, तो वायर के मटेरियल में कौन कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगी, ठीक। तो देखिए हमने अभी अभी आपको बताया था कि स्प्रिंग क्या है, इस प्रकार से स्प्रिंग है, इस पे जब क्या है यहाँ पे लोड W लगता है, तो यहाँ पे जो लोड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस W लगता है, वास्तव में जो हम W लगा रहे हैं वो लोड क्या है, एक्सियल लगा रहे हैं, लेकिन जो इसका वायर है इसके वायर पे क्या है, क्योंकि वायर पे एक मोमेंट जनरेट करता है, क्या करता है, क्योंकि उसके एक्सिस से वायर की एक्सिस, अगर वायर की एक्सिस यहाँ से हम लोग एक ठो वायर लें और लोड यहाँ लग रहा है, तो इस लोड के कारण क्या है D/2 डिस्टेंस मिल जाती है, कैपिटल D/2 डिस्टेंस मिल जाती है, तो उसके कारण एक मोमेंट जनरेट हो जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, W×D/2। वही मैंने आपको समझाया था कि टॉर्क उसका कहाँ से निकाल है, तो जब मोमेंट जनरेट होता है तो कौन कौन से फोर्स जनरेट करता है, मैंने आपको बताया दो सीयर स्ट्रेस जनरेट होती है, एक बेंडिंग स्ट्रेस या टॉर्जनल सीयर स्ट्रेस कहते हैं और दूसरी कहती है डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस। तो यही इन्होंने पूछा एग्जाम इसमें क्वेश्चन में, कौन कौन सी स्ट्रेस जनरेट होती है, बेंडिंग स्ट्रेस ओनली, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस नहीं साथ में डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस भी जनरेट होती है, फिर डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस ओनली साथ में बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब दोनों ही जनरेट होती थी, ये भी दोनों ही नहीं, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे एक ही हो जाती है, क्योंकि उसको क्या है, उसको उसको टॉर्क भी दे रही है हेलिकल स्प्रिंग को, साथ में उसको बेंड भी कर रही है, तो ये नहीं, इसमें डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस भी होना चाहिए। तो चौथा आंसर जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग सीयर स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस बेंडिंग सीयर स्ट्रेस दोनों अलग चीज़ होती हैं, लेकिन जब हम लोग इस हेलिकल स्प्रिंग की बात करते हैं तो दोनों के लिए सेम हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो लगने वाला मोमेंट है वो टॉर्जन भी देता है और बेंडिंग भी देता है, ठीक, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, ए हेलीलॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग हैव अ स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ 12 kN/mm, स्प्रिंग की स्टिफनेस के दी हुई है एंड इट्स हैव नंबर ऑफ टर्न्स एन, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, ब्रेक्स इंटू टू पार्ट्स, उसको दो भागों में काट दिया गया है, देन स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टेंट स्प्रिंग विल बी, तब उन्होंने रिजल्टेंट स्प्रिंग की स्टिफनेस पूछी है। तो देखिए इसको सवाल को सॉल्व जब भी किया जाएगा तो इसको पहले मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि देखिए अगर किसी स्प्रिंग पे लगने वाला डब्ल्यू फोर्स लगाया जा रहा है तो उस स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होता है, उस स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक, अभी जितने आप कुछ बता रहे हैं सब कुछ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का ही होता है, हम लोग के जो सिलेबस होता है उसमें हम लोग क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ही मोस्टली पढ़ते हैं। इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो होती है 8 WC³
एन डिवाइडेड बाय जी इंटू डी। ठीक, तो जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है वो होता है 8wc³n/g×d। इसमें w क्या है, w जो एक्सियल फोर्स लगाया गया है स्प्रिंग के ऊपर, जो एक्सियल फोर्स w लगाया गया उसकी वैल्यू है। ठीक, और क्या है c, c की वैल्यू हमने आपको बताया, c मतलब कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक, तो ये c की वैल्यू मतलब c को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग इंडेक्स कहा जाता है। n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब कितने उस पर कर्वेचर बनाए गए, कितने टर्न बनाए गए हैं, उसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कहेंगे। g, g कहते हैं ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g। ठीक, और d क्या है, d क्या है डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के वायर का डायमीटर है, और कैपिटल d क्या है, मीन डायमीटर है। ओके, तो ये होगा डिफ्लेक्शन का फार्मूला। और जब डिफ्लेक्शन का फार्मूला हम लोग को पता है तो स्टिफनेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्टिफनेस का फार्मूला हो जाए होता है के इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, मतलब जितना फोर्स हमने लगाया है उसके डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, मतलब फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ फोर्स क्या है, डब्ल्यू है डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। तो इसको अभी जो हमने फार्मूला था उसको उसको डब्ल्यू उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग जो के का वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी जी डी डिवाइडेड बाय 8c³n हो जाएगा। ठीक, तो हमारे को डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या हो गया, डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो गया 8wc³n डिवाइडेड बाय जी डी। ओके, और स्टिफनेस का फार्मूला क्या होगा, स्टिफनेस का फार्मूला हो गया जी डी डिवाइडेड बाय 8c³n हो गया। ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी की सहायता से हम लोग अधिकतर सवाल सॉल्व करेंगे। तो अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा है कि एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस मान लीजिए K1 जो है वो 12 किलो न्यूटन पर mm मीटर है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 कितने, 20 है। फिर इन्होंने इसको ब्रेक करके टू इक्वल मतलब टू पार्ट्स में तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, तो मान ली तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स क्या आधे हो जाएंगे, तो मतलब N2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन्होंने पूछा तब स्टिफनेस कितनी है, तब इन्होंने K2 की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो मतलब K1 इक्वल टू 12, K1 इक्वल टू 20, तो N2 इक्वल टू 10, तो K2 इक्वल टू वाट। ठीक, तो हम देखिए अभी हमने हमने आपको बताया कि स्टिफनेस K इक्वल टू क्या होता है, स्टिफनेस K इक्वल टू जी इंटू डी डिवाइडेड बाय 8c³n। तो देखिए जो स्टिफनेस है, जी जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये मटेरियल पर निर्भर करता है, तो हमें मटेरियल तो चेंज किया नहीं गया तो ये कोई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। डी क्या है, स्मॉल डी वायर डायमीटर है, तो वायर डायमीटर भी चेंज नहीं किया तो वो भी सेम है। सी क्यूब, सी क्या है, सी हमने बताया कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी क्या है, मीन डायमीटर है, तो स्प्रिंग का मीन डायमीटर भी चेंज नहीं किया गया तो वो भी सेम है। और स्मॉल डी क्या है, वायर डायमीटर भी चेंज नहीं किया तो भी सेम है, तो मतलब सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट बने रहेगी। तो बचता है एन, एन में चेंज किया गया है, तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, या दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं के इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर किसी भी स्प्रिंग के लिए के इंटू एन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि के वन एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू एन टू हो जाएगा। ठीक, तो के वन की वैल्यू इन्होंने 12 दे रखी है, और एन टू, एन टू की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, एन वन की वैल्यू क्या रखी है, 20 दे रखी है। ठीक, के टू की वैल्यू हमको निकालनी है, और एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग आधी कर दी गई है। तो के टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टू की वैल्यू इसको सॉल्व कर दीजिए, तो के टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। के टू की वैल्यू 12 × 24 हो जाएगी, 24 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। तो इसकी स्ट्रिंग की स्टिफनेस क्या हो जाएगी, 24 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप क्या समझे, हमने कहा कि इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया गया तो इसकी स्टिफनेस क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो अब ये आप याद रख लीजिए कि यदि किसी भी स्प्रिंग को 20 से काट दिया जाता है तो उसके दोनों भाग की जो स्टिफनेस है वो उसकी ओरिजिनल स्टिफनेस की दुगनी हो जाती है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की स्टिफनेस अपनी ओरिजिनल स्टिफनेस की दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर पहले उसकी स्टिफनेस के है और उसको दो भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है वॉल स्ट्रेस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था वो पहला क्वेश्चन था कि वॉल स्ट्रेस फैक्टर किस किस चीज़ को अकाउंट करता है, कर्वेचर ऑफ द कर्वेचर इफेक्ट को, डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस, इन दोनों को करता है। तो यही इसका आंसर डी है। ठीक, डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस को करता है, टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस को नहीं करता है। ठीक, और वायर कर्वेचर इफेक्ट मतलब ए और सी को करता है। तो ए और सी एक साथ कहाँ है, एक साथ डी में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वही क्वेश्चन इन्होंने दोबारा पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, ए हेलिकल स्प्रिंग हैज एन टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ डायमीटर डी एंड सेकेंड स्प्रिंग मेड ऑफ सेम वायर डायमीटर एंड सेम मटेरियल हैज एन बाई टू टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ डायमीटर टू डी। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि एक मतलब स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसका जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसका डायमीटर डी है, और एक दूसरी स्प्रिंग है वो सेम वायर डायमीटर मतलब जो इसका वायर डायमीटर डी है वही डी इसके लिए सेम वायर डायमीटर का है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एन टू है और जो मीन डायमीटर है और कॉइल का जो डायमीटर 2d है। इफ द स्टिफनेस ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग इज k, पहले स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो k है, तो उन्होंने पूछा सेकंड स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होगी। ठीक, तो इन्होंने देखे सीधे सीधे समझिए ऐसे कि इन्होंने n जो पहले n1 क्या है, n1 यहाँ पे पहले n है और डायमीटर d क्या है, d1 इक्वल टू क्या है, d है। और दूसरे केस में इन्होंने क्या किया है कि n2 इक्वल टू n बाई 2 कर दिया गया है और D2 की जो वैल्यू कर दी गई है वो कितना हो जाएगी, कर दी गई 2D कर दी गई है। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं कि स्टिफनेस का फार्मूला क्या होता है, K इक्वल टू होता है GD^4 डिवाइडेड बाई 8D³ इंटू एन। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जी तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मटेरियल वही रखा है, वही वायर का बना दिया है तो मटेरियल सेम है। डी इस वायर का डायमीटर है, उन्होंने कहा उसी वायर का डायमीटर के हमने दूसरे स्प्रिंग बना दी, ये भी चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या होगा, D³ मीन डायमीटर चेंज हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे क्या हमारा ये बन जाता है, हमारा बन जाता है कि K×D³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्या हो जाएगा कि ठीक K×D³ इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी टर्म कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सीखना क्या है, अभी हमने इसके पहले जो सवाल कराया था उसमें हमने क्या बताया कि अगर उसी स्प्रिंग को दो भागों में काट दिया जाए तब तो उसके हम लोग उसके लिए K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन था, यानी K1N1 इक्वल टू K2N2 है। लेकिन यहाँ पे वही स्प्रिंग नहीं है, उसी वायर से दूसरी स्प्रिंग बनाई गई है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, K×D³ इक्वल टू कांस्टेंट। तो K क्या हो जाएगा, तो K×D³ इक्वल टू कांस्टेंट। तो यह दोनों के लिए ये इक्वल टू कांस्टेंट, तो पहले के लिए के है और D³ क्या है, पहले के लिए D की वैल्यू D है तो D³, और दूसरे N की वैल्यू कितने हैं, इसको हम लोग K1 माने हैं। ठीक, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू इन्होंने N ही रखा है पहले के लिए, पहले N रख दिया। अब दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए हम लोग स्टिफनेस K2 माना है। अब उसका डायमीटर क्या है, मीन डायमीटर 2D है, तो 2D का क्यूब हो जाएगा इंटू एन कितना है, एन बाई टू है। इन्होंने अगले स्प्रिंग के लिए एन क्या लिखा है, एन की वैल्यू एन बाई टू रखा है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका K1D³ इक्वल टू K2 दो दूनी चार दूनी आठ D³ n/2। तो दो से काट दो तो दो चार हो जाएगा, तो D³n कैंसिल हो गया। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू यहाँ पे K/4 हो जाएगा, K1/4 हो जाएगा, मतलब पहले वाले की स्प्रिंग के स्टिफनेस का हाफ हो जाएगा। तो अगर पहले स्टिफनेस उसकी अगर K रही होगी तो अब जो स्टिफनेस क्या हो जाएगी उसकी, K/4 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, K/4। पहले स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, K थी, तो अब जो नई स्प्रिंग बनेगी उसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, K/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ़ ए कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, द पार्ट्स आर देन यूज इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द स्प्रिंग रेट ऑफ इस इनिशियल वैल्यू विल बी। इन्होंने कहा है कि एक स्प्रिंग है, कंप्रेशन स्प्रिंग है, उसको पहले दो भागों में काटा गया और काटने के बाद उसको पैरेलल में लगा दिया गया, तब तो क्या, तब उन्होंने क्या कि इनिशियल स्प्रिंग से फाइनल स्प्रिंग बनी दोनों का रेशियो क्या होगा।
अब देखिए, पहले हमने जो अभी आपको सवाल बताया तो उसमें क्या है कि हमने स्प्रिंग को सीधे दो भागों में बांटा था, जब सीधे दो भागों में कट कर दिया था उसकी स्टिफनेस दुगनी हो गई थी, लेकिन वहाँ पे हमने उसको पैरेलल में लेके रखा था, तो अब हम उसको पैरेलल में भी लगाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम आपको बता दें, जब स्प्रिंग पैरेलल में लगाई जाती है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये पैरेलल में अगर दोनों को लगाया जाता है और इसकी स्टिफनेस के वन है और इसकी स्टिफनेस के टू है, तो जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है वो इक्वल टू होती है के वन प्लस के टू होती है। अगर स्प्रिंग क्या है पैरेलल में लगाई जाती है तो जो उनकी स्टिफनेस होती है वो क्या हो जाती है, के वन प्लस के टू हो जाती है। और अगर स्प्रिंग को सीरीज़ में लगा दिया जाए, स्प्रिंग को सीरीज़ में लगा दिया, एक स्प्रिंग है फिर दूसरी स्प्रिंग, जैसे के वन है और ये के टू है, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनती है तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होती है, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, इसलिए फार्मूला होता है ये सीरीज़ में अगर स्प्रिंग लगाई जाती हैं तो। ठीक, तो ये इसको ये के जब सीरीज़ में लगाई जाती है तो वन अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, और पैरेलल में लगाई जाती हैं तो दोनों स्प्रिंग की स्टिफनेस जुड़ जाती हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक स्प्रिंग है जिसकी इनिशियल स्टिफनेस मान लीजिए के है, अब इसको क्या किया इन्होंने, कट इनटू दो इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट पार्ट काट दिया, दोनों पार्ट की स्टिफनेस क्या हो गई, टू के हो गई। अब इसको पैरेलल में लगा दिया तो ये स्प्रिंग एक ये के स्प्रिंग, तो इसकी स्टिफनेस 2k है और इसकी स्टिफनेस भी 2k है, तो अब इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगी दोनों की, k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ये भी और ये भी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, तो जो स्टिफनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मतलब अगर स्प्रिंग को सिर्फ दो भागों में काटा जाए तो इसकी स्टिफनेस दुगनी हो जाती है, और काटने के बाद उसको पैरेलल में लगा दिया जाए तो स्टिफनेस 4 गुनी हो जाती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा द रेशियो ऑफ द स्प्रिंग रेट टू इनिशियल वैल्यू विल बी 4। स्प्रिंग रेट जो यहाँ लिखा है वर्ड, वो उसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग को ही स्प्रिंग रेट कहा जाता है, स्प्रिंग स्टिफनेस और स्प्रिंग रेट एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ए स्प्रिंग विथ 25 एक्टिव कॉइल्स कैन नॉट एकोमोडेट विथ एन अ गिवन स्पेस, मतलब एक स्प्रिंग है जिसमें 25 एक्टिव कॉइल्स, एक्टिव कॉइल्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, 25 नंबर ऑफ टर्न्स थे। ठीक, किसी उसके किसी किसी जगह पे एकोमोडेट नहीं हो पाए, मतलब उसके अंदर समा नहीं रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, हैंस 5 कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग कट आउट, तो उसकी 5 कॉइल को हटा दिया गया, तो व्हाट इज़ द स्टिफनेस ऑफ द नई न्यू स्प्रिंग, तो नई स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे N1 कितना दिया है, N1 यहाँ पे दिया है 25 दिया है, तो मान लीजिए इसकी स्टिफनेस K1 है, और फिर उसके बाद 5 कॉइल्स हटा दिए गए तो N2 की वैल्यू क्या हो गई, N2 की वैल्यू हो गई 20, और K2 मान लीजिए नई स्टिफनेस है। तो अभी हमने बताया था कि अगर किसी स्प्रिंग को काटा पीटा जाता तो उसके लिए क्या बन जाता है फार्मूला, उसके लिए बन जाता है K1N1 इक्वल टू K2N2 हो जाता है ना, इसी में रख दीजिए। K1 की वैल्यू कितना है, K1 की वैल्यू हमको नहीं दिया है, इंटू N1 की वैल्यू क्या है, 25 है, और K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू आपको निकालना है मान लीजिए, और N2 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पे 20 K2 की वैल्यू क्या जाएगी, 25 अपॉन 20 इंटू K1 हो जाएगा ना, तो 5 से काट दीजिए, 25 5 चौके 20 इक्वल टू 1.25 ऑफ K1, तो जो इसकी स्टिफनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी 1.25 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1.25 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्प्रिंग। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा एक फार्मूला याद रख ले, किसी भी स्प्रिंग को काटा जाए उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए जाएँ, उस कंडीशन में K1 इंटू N1 इक्वल टू क्या हो जाता है, K2 इंटू N2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, एक अगला क्वेश्चन, एक क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 20 cm मीन डायमीटर, एक हेलिकल स्प्रिंग है जिसका जो मीन डायमीटर है वो 20 cm है, हैविंग 25 कॉइल्स ऑफ 2 cm डायमीटर, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 25 हैं, और वायर डायमीटर क्या है, 2 cm, मतलब हेलिकल स्प्रिंग है इसका जो मीन डायमीटर कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 20 है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितना, एन की वैल्यू कितनी है, 25 है, और वायर डायमीटर स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 2 cm है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब जी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10^7 न्यूटन पर सेंटीमीटर का, देखो सब चीज़ें
सेंटीमीटर में दी है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग की स्टिफनेस का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू जी डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8D³ इनटू n, यही स्प्रिंग की स्टिफनेस का फार्मूला है। सॉरी डी टू द पावर 4 नहीं है, यहाँ पर सिंपली d है। ओके सॉरी डी टू द पावर 4 ही आएगा। देखिए हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा था उस सेव कर लेते हैं, आपको जो अभी तक फार्मूला याद है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग के इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल टू होता है जी इंटू डी डिवाइडेड बाय 8C³ इंटू एन होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए तो जी की वैल्यू क्या है 10⁻⁷ इंटू क्या है डी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो स्मॉल डी की वैल्यू 2 अपॉन 8 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है सी इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 20 है और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 25 दिए हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10⁷ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻³ इंटू 25। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 25 से इसको काट देंगे तो 10⁴ है तो हो जाएगा 25 से तो हो जाएगा, इसको हम लोग दो बार 100 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² मतलब 100, आंसर आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका उसका आंसर क्या हो जाएगा 100। तो इसमें देखिए सीधे फार्मूला स्टिफनेस का लगा दिया गया है, स्टिफनेस का फार्मूला जी डी अपॉन 8C³ इंटू एन, तो इससे आपका आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द स्ट्रेस फैक्टर के यूज फॉर द डिज़ाइन ऑफ द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का फार्मूला पूछा है, तो मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का फार्मूला, आपको बताया था मैंने क्या होता है कि के डब्ल्यू इक्वल टू वॉल स्ट्रेस, या स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पूछता है स्प्रिंग के लिए, या स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर पूछता है, या वॉल स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर पूछता है, सब चीज़ें एक ही होती हैं। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 4C⁻¹ ⁄⁴⁰⁵⁄⁵⁵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 
आंसर आपको किस में दिया गया है, ये आंसर आपको दिया गया है बी में, ठीक। तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये बी आंसर, क्योंकि ऊपर माइनस वन है। देखिए ये आपको कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि फोर ऊपर है कि वन है, तो यह कि वन ऊपर है और फोर नीचे है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, फोर सी माइनस वन अपॉन फोर सी माइनस फोर प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई सी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है इन्होंने बस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए अब मैं सबके बारे में बता देता हूँ धीरे धीरे। देखिए इन्होंने इधर दिया है अनविंस फार्मूला, वाल्स फैक्टर, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, लेविस फॉर्म फैक्टर, और दिया है बियरिंग, रिबेट्स, गियर एंड स्प्रिंग। तो कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले दिया अनविंस फार्मूला। तो अनविंस फार्मूला जो होता है ये रिबेट्स के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, रिबेट्स के लिए होता है। ये होता क्या है, ये होता है डायमीटर, किसी रिबेट का डायमीटर निकालना होता तो उसका फार्मूला होता है 6√T होता है। ये हाइपोथेटिकल फार्मूला है जो जो किसको अनविन ने दिया था, ठीक। तो d = 6√T, तो t क्या है, t आपकी जिस प्लेट की जो प्लेट है उसकी थिकनेस होती है। अगर जिस प्लेट का हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जिस प्लेट के हम लोग रिबिटिंग करने जा रहे हैं उसकी थिकनेस है, तो इस प्रकार से हम लोग रिबिट का डायमीटर निकालते हैं, तो इसको अनविंस फार्मूला कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो अनविंस फार्मूला का संबंध किससे, रिबिट का, तो a का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a का 2 कहाँ दिया होगा, b और d में दिया है।
दूसरा दिया वॉल फैक्टर, तो वॉल फैक्टर अभी अभी हमने आपको बताया स्प्रिंग से संबंधित है, तो बी का प्रयोग किसके लिए, फोर के लिए, तो बी के लिए फोर, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें, डी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर डी हो जाता है। बाकी चेक कर लेते हैं सी का वन, सी रेनॉल्ड्स इक्वेशन इक्वल बियरिंग, हाँ रेनॉल्ड्स इक्वेशन का प्रयोग बियरिंग में किया जाता है, जो जर्नल बियरिंग होती है उसके लिए एक रेनॉल्ड्स इक्वेशन होता है, उसकी सहायता से हम लोग हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स को सॉल्व करते हैं, ठीक, तो उसके लिए रेनॉल्ड्स फार्मूला इक्वेशन होता है। और लेविस फॉर्म फैक्टर का प्रयोग जो होता है वो गियर्स की डिज़ाइन के लिए किया जाता है, लेविस फॉर्म फैक्टर का प्रयोग गियर्स की डिज़ाइन के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, इसके द्वारा गियर की बीम स्ट्रेंथ निकाली जाती है। गियर की बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, ये माना जाता है कि गियर का है एक बीम की तरह वर्क करता है और इस पर एक लोड डब्ल्यू लगता है जिसके कारण ये टूट सकता है, तो इसको क्या है, गियर को वैसा बीम की तरह ट्रीट किया जाता है, तो बीम स्ट्रेंथ निकाली जाती है, तो वहाँ पे हम लोग लेविस फॉर्म फैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, द कॉम्प्लियंस ऑफ द स्प्रिंग इज, स्प्रिंग की कॉम्प्लियंस क्या होती है, तो स्प्रिंग की जो कॉम्प्लियंस होती है, कॉम्प्लियंस ऑफ द स्प्रिंग जो होती है वो होती है 1/स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द स्प्रिंग कहा जाता है। और ठीक, या इसी कह सकते हैं कि 1/स्प्रिंग रेट, क्योंकि स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस क्या होती है, एक ही चीज़ होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द स्प्रिंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्टिफनेस या रेसिप्रोकल ऑफ स्प्रिंग रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने दिया गया रेसिप्रोकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कभी कभी इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहिए या स्प्रिंग रेट कहिए, ठीक, तीनों चीज़ें सभी एक ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग अंडर कंप्रेसिव लोड, ठीक, ये नहीं होता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये भी नहीं है, ठीक। स्क्वायर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है ए हेलिकल कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट इंटू टू इक्वल हाफ्स एंड देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सपोर्ट ए वाइब्रेटिंग सिस्टम ऑफ मास यम, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ओमेगा इज। तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है के बाई यम, यहाँ पे जो के है वो क्या होता है, इक्वलेंट के होता है, मतलब उस पूरे सिस्टम का जो इक्वलेंट है, ठीक। तो यम तो हमको पता है सीधा सीधा, के इक्वलेंट हम लोग निकाल लेते हैं, तो के इक्वलेंट कैसे निकलेगा, इन्होंने कहा है कि एक स्प्रिंग है हेलिकल कॉइल स्प्रिंग, उसको कट इनटू टू इक्वल पार्ट, तो उसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई स्प्रिंग के है, उसके है पूरी स्प्रिंग, उसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया जाए तो प्रत्येक दोनों की स्टिफनेस क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो टू के टू के। फिर उसके बाद कहा देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इनको उठा करके इस प्रकार पैरेलल में लगा दिया गया और नीचे मास यम लगाया गया, ठीक। तो अब की एक की स्प्रिंग की स्टिफनेस टू के है, दूसरे की स्टिफनेस क्या है, टू के है। तो हमने बताया जब पैरेलल में लगा दिया जाता है तब दो स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, जुड़ जाती है, तो के इक्वलेंट क्या हो जाएगा, के इक्वलेंट हो जाएगा 4K हो जाएगा। तो इक्वलेंट के इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4K हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के इक्वलेंट डिवाइडेड बाय यम। तो के इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है, के इक्वलेंट की वैल्यू है 4K डिवाइडेड बाय यम। तो इसका ही आंसर हो जाएगा 4K डिवाइडेड बाय यम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4K डिवाइडेड बाय यम, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो मैंने आपको वाइब्रेशन के चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो इसके पहले के मैकेनिकल क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कराने की प्लेलिस्ट है उसमें, तो उसमें वाइब्रेशन संबंधी जो चैप्टर है उसको जा कर के देख लेंगे, तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन संबंधी जितने क्वेश्चन हैं आपको सबका सॉल्यूशन और उन सबका कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो आज के थे ये मशीन डिज़ाइन के चैप्टर स्प्रिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से मशीन डिज़ाइन के लगभग सभी चैप्टर क्वेश्चंस हो गए हैं। यदि कोई चैप्टर छूट रहा हो या कोई चैप्टर जो आपको पढ़ना चाह रहे हो जो नहीं पढ़ पाए, लगभग मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी बता दिए हैं। यद्यपि मशीन डिज़ाइन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन डिप्लोमा लेवल के लिए उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें से, ठीक, तो उसमें जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर से क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स
बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो बेहिचक पूछिए। यदि आप चाहते हैं कि एक नई सूचनाएं आपको लगातार प्राप्त होती रहें तरह तरह की विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज की और उससे संबंधित सूचनाएँ और तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य जो टॉपिक्स हैं उनके भी आप वीडियोस देखना चाहें तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने बारी बारी दे रखी है, और आप उसको चेक कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। यदि आप आज जो मैंने पढ़ाया इसके क्वेश्चंस के PDF चाहे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी तैयारी में अधिक से अधिक मदद करेंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।